एक बार फिर से खबर आई है कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन जल बनने वाला है, विस्तार होने वाला है, जल्द ही विस्तार होने वाला है कांग्रेस के संगठन में। उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर, ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन का खाका तैयार हो चुका है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। इस सिलसिले में संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात हुई है। बीजेपी कांग्रेस के प्रभारी, हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले संगठन तैयार करना कांग्रेस के लिए चुनौती है। ज़्यादा जानकारी के लिए राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, कब तक हो सकता है संगठन का विस्तार? क्योंकि खबरें बार बार आई हैं राजा। मसला ये है कि पिछले एक साल दो साल में लगातार ये खबरें आती रही कि बस जल्दी ही कांग्रेस का संगठन का विस्तार होने वाला है, जल्दी ही फाइनल हो जाएगा, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो क्या अभी भी ये सिर्फ खबरें हैं या इस बार बाकी में कुछ अंदर की बहुत पुख्ता खबर है? और बिल्कुल देखिए, संगठन को लेकर जो हरियाणा प्रभारी हैं दीपक बावरिया काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि कांग्रेस हाईकमान से हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने मुलाकात की है। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। और जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, हाईकमान के पास लिस्ट पहुंच चुकी है। अब देखना होगा क्योंकि पिछली बार भी जिस तरीके से जो जानकारी थी कि लिस्ट कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच गई थी, पर गुटबाजी और जो लिस्ट थी उसको लेकर संशय लगातार बरकरार देखने को मिलता है। लगातार लिस्ट तो पहुंच जाती है पर लिस्ट जारी नहीं होती। इस बार जिस तरीके से जो लिस्ट बनी है, क्या लिस्ट कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जारी होती है या फिर और इंतजार करना होगा, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में संगठन पिछले 9 सालों से कांग्रेस का हरियाणा में नहीं है। इस बार बहुत बड़ी चुनौती हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के लिए भी रहने वाली है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले संगठन का विस्तार हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया कर पाएंगे। हालांकि जो मुलाकातों का सिलसिला है वो दिल्ली में लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पिछले दिनों हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने मुलाकात की है और ब्लॉक और जिला लेवल पर जल्द कांग्रेस की तरफ से जो पदाधिकारियों की बात करें, जिला अध्यक्षों की बात करें, वो सूची कांग्रेस की तरफ से जारी हो सकती है। जी अच्छा राजा, कितना आसान लगता है कांग्रेस के लिए संगठन विस्तार करना एक ऐसे वक्त में? हालांकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में, लेकिन चुनाव से पहले जब अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी है और उसमें कोई शक नहीं, उसमें कांग्रेस के नेता मानते भी हैं बहुत से नेता कि यहाँ गुटबाजी है और हम इससे इनकार नहीं कर सकते, तो किस तरह से दीपक बावरिया की कोशिश नजर आएगी कि वो सबको साथ लेकर चल पाएं और किसी तरह के सवाल संगठन विस्तार में ना उठे? क्योंकि इससे पहले भी जब एक कोशिश हुई थी तो हमने देखा कि कई जगहों पर आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए थे। और बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के लिए, क्योंकि लगातार लिस्ट बनती है पर लिस्ट जारी नहीं हो पाती, क्योंकि गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस की काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है। संजय गुट की हम बात करें, किरण चौधरी हालांकि अब भाजपा में आ चुकी है, उनकी तरफ से भी लगातार संगठन को लेकर बातें कही जाती थी। अब रणदीप सुरजेवाला लगातार संगठन को लेकर बातचीत करते थे, तो बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर है। अगर लिस्ट जारी होती है तो किस तरीके के नाम होंगे, क्या, क्योंकि प्रभारी हमेशा कहते हैं कि सीनियर जो नेता हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको तवज्जो दी जाएगी और कार्यकर्ताओं को सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास यहाँ पर हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया लगातार करते हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में संगठन बनकर खड़ा होता है, संगठन की लिस्ट जारी होती है, तो एक मजबूती के साथ हरियाणा में कांग्रेस ग्राउंड पर उतरती हुई नजर आएगी। इससे कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले 9 सालों से कांग्रेस का संगठन बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे में यदि ये जो लिस्ट हाईकमान के पास पहुंची है, जिले की और ब्लॉक लेवल की लिस्ट जारी होती है, तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी रहेगी और हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के लिए रहेगी। वहीं एक बड़े बूस्टर के रूप में जो ये लिस्ट जारी होगी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम करेगी। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि पिछले दिनों भी हमारी जो प्रभारी है दीपक बावरिया, उनसे बात हुई थी
टाइम और डेट यहाँ पर दिया जाता था कि अगले महीने जारी हो जाएगी, अगले 15 दिन में जारी हो जाएगी, हाईकमान के पास लिस्ट पहुंच गई है, पर नेताओं के तालमेल की कमी हम कहें या फिर गुटबाजी कहें, हमेशा से जो लिस्ट तैयार होती है वो गुटबाजी का शिकार हो जाती है। तो ऐसे में क्या जो ये लिस्ट है इस बार वाकई में ग्राउंड पर देखने को मिलेगी या फिर इसमें भी कोई संशय या फिर गुटबाजी का ये भी लिस्ट शिकार होती भी नजर आएगी? जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए राजा आपका। तो कांग्रेस संगठन विस्तार की खबर सामने आ रही है कि जल्द ही कांग्रेस संगठन विस्तार की रूपरेखा तैयार हो जाएगी और लिस्ट जल्दी ही सामने आ जाएगी।